जवान की आंधी भी अपनी जगह पे ठीक है, ऐसी मूवीज को भूल मत जाना। तो देखो यार, कल जिस तरीके से 7 तारीख को जवान का शाहरुख खान का सिनेमाघरों के अंदर एक कमाल की आंधी रही, उसके बीच में अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड, जिसका नाम है मिशन रानीगंज, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है क्योंकि कल ही उसके टीजर को रिलीज किया गया है। आपको ये क्यों देखनी चाहिए, ये आपको क्या ऑफर करने वाली है और आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हो, आज की इस वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मूवी किस बारे में होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करने वाली है IIT धनबाद के एक इंजीनियर जिनका नाम था जसवंत सिंह गिल, जिन्होंने 1989 के अंदर रानीगंज कोल माइंस के अंदर 65 माइन वर्कर्स की जान बचाई थी जब वो लोग वहां पे उस माइन के अंदर फंस गए थे। तो इसके अंदर आपको स्पेशली जसवंत सिंह गिल की जो ब्रेवरी है, कामनेस है, जो पेशेंस है, जो जज्बा है, जो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उनको बचाने में लगाया, उसकी स्टोरी को आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और इसके अंदर आपको मेल में देखने को मिलने वाले हैं अक्षय कुमार, और साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं कुमुद मिश्रा, और इसके साथ में आपको मेन फीमेल लीड में देखने को मिलने वाली है परिणीति चोपड़ा। और अब अगर बात करें प्रॉपरली इसके टीजर के बारे में, इसका जो टीजर है वो काफी हद तक इंटेंस लग रहा है, एकदम इंस्पिरेशनल लग रहा है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे उनको प्रेजेंट किया गया है, स्पेशली एसिक आपको अक्षय कुमार देखने को मिलने वाले हैं, तो वो एसिक बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका जो लुक है वो निकल के आया है। इसके साथ में बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, जिस तरीके से VFX वाइज अंडरवाटर सीन को शूट किया गया है, जो आपको यहाँ पे टीजर के अंदर देखने को मिलता है, तो वो प्रोडक्शन वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ में जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरे को इम्प्रेस किया वो थे इसकी सैचुरेशन और इसकी कलर ग्रेडिंग, जिस तरीके से डार्क कलर्स को आप लोगों के सामने रखा गया है, जिस तरीके से इसकी कलर थीम को चूज किया गया है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से सूट कर रहा है और वो आपको इसकी जो सीरियसनेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाता है। और स्पेशली अगर बात करें अक्षय कुमार के बारे में, देखो उनका जो कमबैक है वो OMG के पार्ट नंबर 2 के बाद से ही हो गया है। अब उनके पास लाइन से एकदम जबरदस्त मूवीज हैं, पहले उन्होंने फिक्शन मूवी कर ली OMG का पार्ट नंबर 2, अब जा रहे हैं एक रियल स्टोरी के ऊपर, फिर जाएंगे एक्शन मोड में, फिर जाएंगे कॉमेडी में। तो यकीन मानो OMG के पार्ट नंबर 2 के बाद से जो पूरा का पूरा साल है 2023 का और 2024 का, वो पूरी तरीके से अक्षय कुमार के नाम होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की ये स्टोरी है, मैं इतना तो बोल सकता हूँ जो उनकी चॉइसेस है वो अब सही जगह पे जा रही है। और अगर बात करें इसके डायरेक्टर के बारे में, तो इसको डायरेक्ट करने वाले टीनू सुरेश देसाई, जिन्होंने इससे पहले हमको रुस्तम जैसी एक कमाल की मूवी दी है। इसके साथ में इनकी एक मूवी कुछ टाइम पहले आई थी 1920 लंदन, जो कि इतनी सही नहीं थी, लेकिन जितना इनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इनका काम जबरदस्त होता है। तो अब इतनी कमाल की कास्ट के साथ, अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा और एक कमाल के एक्टर कुमुद मिश्रा, इतनी कमाल की कास्ट के साथ एक कमाल की स्टोरी जब जुड़ेगी, तो मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत जबरदस्त डिलीवर करने वाली है, जिसकी झलकियां आपको डेफिनेटली इसके टीजर को देख के समझ में आती हैं। और अगर बात करें इसकी रिलीज डेट के बारे में, तो ये मूवी आपको अगले महीने देखने को मिलने वाली है, यानी कि अक्टूबर में। और बात करें इसकी डेट के बारे में, तो ये आपको 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो टीजर वाइज, प्रोडक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, कास्टिंग वाइज, ये मूवी एक अच्छी मूवी लग रही है। अब देखते हैं किस तरीके से बन के निकलती है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे अनसंग हीरो की स्टोरी है जिसके बारे में ऑडियंस को पता होना चाहिए। तो मैं पर्सनली इसके लिए एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं किस तरीके से मूवी बन के निकलती है, जिसके लिए आपको और मेरे को जो है 6 अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा, जब आपको और मेरे को ये मूवी जो है सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द टीजर ऑफ मिशन रानीगंज। तो अगर आप लोगों ने इसके टीजर को चेक कर लिया है, आपको ये टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।